अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। दोस्तों, आज हमारे पास आई है ये स्कॉर्पियो। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताता क्या हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसके डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं चेक इंजन की लाइट आ रही है। दूसरी बात, इसका जो इंजन देखिए दोस्तों, ये स्टेबल नहीं है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ये हिल रहा है। और साथ ही दोस्तों इसमें पिकअप ड्रॉप भी हो रही है। इसका साउंड जो है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, साउंड कुछ अजीब सा कर रहा है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। आज इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। एक और गाड़ी आई हुई है दोस्तों, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसको स्टार्ट किया हमने, इसका इंजन भी वाइब्रेट कर रहा है। और इसमें भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम, पिकअप ड्रॉप की आ रही है और साउंड भी इसका सही नहीं है। तो चलिए इसको स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लॉन्च से स्कैन करेंगे, उसके बाद कारपीएम का जो स्कैनर आता है दोस्तों, उससे भी हम लोग स्कैन करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सब इसमें फॉल्ट कोड आ रहे हैं। जो भी फॉल्ट कोड आ रहा है वो हील्ड कंडीशन पे। अभी भी दोस्तों इसमें चेक इंजन की लाइट जो है वो आ रही है। ये कोड्स जो है इसको क्लियर कर देने से चेक इंजन की लाइट जो है वो चली जाएगी। सबसे पहले इसका एक रिपोर्ट बना लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करके देखते हैं। ये हमने इसको क्लियर किया, सारे जो फॉल्ट कोड थे वो चले गए। अब इसको स्टार्ट करते दोस्तों, अभी नो ट्रबल कोड दिखा रहा है। और डाटा स्ट्रीम में जाके चेक करते हैं तो इसमें रेल प्रेशर वगैरह भी सही बन रहा है, यानी कि इसका IMV वगैरह वो सब में गड़बड़ी नहीं है। ये आप इधर भी देख सकते हैं, सारे जो लाइट्स है वो ऑफ है। फ्यूल फिल्टर, वाटर इंडिकेटर वगैरह सभी ऑफ है, चेक इंजन लाइट भी, ट्रबल कोड भी कुछ नहीं आ रहा है इसमें, जो भी थे सब क्लियर हो गए। एक बार मैं आपको डाटा स्ट्रीम में चेक करा दे रहा हूँ कि रेल प्रेशर वगैरह सही बन रहा है कि नहीं। गाड़ी को हम लोग थोड़ा सा रेस करके भी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सही बन रहा है, बट गाड़ी की जो साउंड है वो सही नहीं है। इंजन जो है पूरा वाइब्रेट कर रहा है और साउंड जो है वो अच्छी नहीं है। अब ये रहा दोस्तों हमारा कारपीएम का स्कैनर, इसको भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि ये कैसा काम करता है, इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले फुल स्कैन में जाएंगे, डीजल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे महिंद्रा, फिर कार में कौन सी हमारी स्कॉर्पियो है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर मॉडल कौन सा है, मॉडल है हमारा S2, तो S2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, लाइसेंस प्लेट नंबर, इसमें मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद ओडोमीटर रीडिंग डाल देते हैं, उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर डाल के प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग फुल स्कैन मोड को ही चूज करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको स्पीड मोड में कर दे रहा हूँ। इसमें करीबन 2 से 3 मिनट लगता है। ये रहा दोस्तों P0100 MF सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा दोस्तों, क्योंकि S2 में MF सेंसर है नहीं, इसीलिए ये शो कर रहा है। और बाकी जो भी फॉल्ट कोड थे वो तो मैंने लॉन्च से क्लियर कर दिए थे, इसीलिए इसमें अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखा पा रहा है। अब इसको क्लियर कोड बाद में करेंगे, बाकी देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। और देख लेते हैं दोस्तों कि इस स्कैनर में आपको और क्या क्या मिलता है। इसके स्पेशल फंक्शन में जाते हैं दोस्तों और फिर जो सारे डिटेल्स है उसको एक बार डाल के प्रोसीड करके देखते हैं। ये हमने सारे डिटेल्स डाल दिया, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक किया तो इसमें आप देख सकते हैं एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं, इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं आप इस स्कैनर की मदद से। इसमें एक और ऑप्शन आता है दोस्तों लाइव डाटा का, उसमें भी जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें कैसा दिखता है। ये रहा लाइव डाटा, ये इसमें दोस्तों ऐसा दिखता है। ऊपर आपको इंजन RPM, स्पीड, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड वगैरह सभी कुछ इसमें दिख जाएंगे।
इसका लाइव डाटा भी दोस्तों अच्छा वर्क करता है। आप अगर नीचे आते हो तो इसमें आपको दिखेगा कि रेल प्रेशर भी इसमें दिखा रहा है नीचे। इस स्कैनर को खरीदने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो सेकंड नंबर का इंजेक्टर है इसको हम लोग खोल रहे हैं। जब हमने मैनुअली चेक किया दोस्तों चारों इंजेक्टर्स को, तो सेकंड नंबर का जो इंजेक्टर है ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अब इंजेक्टर को हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 500 बार का प्रेशर बना लेते हैं, और ये रहा हमारा इंजेक्टर जो कि लगा हुआ है, और प्रेशर जो है वो हमारा बन चुका है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये इंजेक्टर जो है वो फायर नहीं कर रहा है। इसका रिटर्न जो है, रिटर्न में फ्यूल आ रहा है लेकिन इसका इधर फायर नहीं कर रहा है। ये मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर वीडियो में समझ में आ रहा हो तो इंजेक्टर में से आप सुन पा रहे होंगे कि हल्की हल्की साउंड आ रही है, बट ये फायर नहीं कर रहा है। इंजेक्टर जो है वो फंस गया है। ये आप देख पा रहे हो, इधर ज़रा सा भी फ्यूल नहीं आ रहा। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर दोबारा आपको चेक कराते हैं। ये ऑन है, अब इसको ऑफ करते हैं और इसमें देखते हैं इंजेक्टर में क्या फॉल्ट है। ये रिपेयर होने के बाद अब इसको हम लोग दोबारा ऑन करते हैं और आपको चेक कराते हैं कि इंजेक्टर हमारा काम कर रहा है। ये हमने इसको ऑन कर दिया है और आप देख पा रहे हो ये इंजेक्टर में से फ्यूल आ रहा है, यानी इंजेक्टर जो है हमारा अब बिल्कुल ओके है। अब इसकी मैं आपको एक रीडिंग लेके भी दिखा देता हूँ। ये साइड मेन का फ्यूल है और उस साइड रिटर्न का है। इसका जो इंजेक्टर है दोस्तों वो फंस गया था, जिसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी। ये आप देखो, इसको मैं फायर करके भी आपको दिखा देता हूँ। इंजेक्टर जो है बिल्कुल अब ओके है। दूसरी वाली जो गाड़ी थी दोस्तों उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी इंजेक्टर ये आप देखो काम नहीं कर रहा था, ये भी फंस गया है। ये इस साइड से फ्यूल आ रहा है बट इस साइड में कोई भी फ्यूल नहीं है, बस हल्की सी साउंड आ रही है इंजेक्टर में से। ये आप देखो, इस साइड कोई फ्यूल नहीं है और इस साइड फ्यूल आ रहा है। अब इसको भी क्लीन करते हैं हम लोग। उसके बाद इसको ऑन किया और अब आप देखो दोस्तों, इंजेक्टर में से इधर से फ्यूल आ रहा है। अब इंजेक्टर जो है वो हमारा फायर कर रहा है। इसको भी मैं आपको फायर करके दिखा देता हूँ। ये इंजेक्टर भी ओके है। तो चलिए चलते हैं और लगाते हैं इंजेक्टर को गाड़ी में, उसके बाद फिर स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको कि गाड़ी जो है वो सही हुआ या फिर नहीं हुआ। इसको टाइट कर लेते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद इंजेक्टर का जो कपलर है उसको हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद अब इसका जो हाई प्रेशर पाइप है इसको लगाएंगे हम लोग। ये एक तरफ पहले टाइट कर देंगे और दूसरी तरफ भी फंसा देंगे। उसके बाद दोनों तरफ अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये पहले इस साइड हम लोग टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इधर भी टाइट कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसका जो रिटर्न वाला पाइप है फ्यूल रिटर्निंग का, उसको भी लगा लेते हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करके देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसका जो इंजन है पहले जो वाइब्रेट कर रहा था वो अब बिल्कुल स्टेबल हो गया। इंजन स्टेबल होने के साथ साथ दोस्तों इसका जो साउंड है वो भी बिल्कुल बदल गया। पहले कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा था इंजन जो है वाइब्रेट कर रहा था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो साउंड है वो भी अब सही हो गया है। अभी भी दोस्तों इसमें जो है चेक इंजन की लाइट जो है वो आ रही है। तो आगे हम लोग स्कैनर लगा के चेक कर लेते हैं। स्कैनर हम लोग लगाएंगे दोस्तों कारपीएम का, उसमें लगा के देखेंगे कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। उसके बाद लॉन्च का लगाएंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। कारपीएम जो स्कैनर है दोस्तों वो कैसा काम कर रहा है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। कारपीएम के स्कैनर में आपको काफ़ी कुछ मिलता है सस्ते में, तो उसे खरीदने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह हमने ऑन कर लिया। इसके बाद कारपीएम का जो स्कैनर है उसको भी हमने गाड़ी में लगा दिया। अब ऑप्शन में क्लिक करेंगे फुल स्कैन का और सारे जो डिटेल्स है उसको भी जल्दी जल्दी भर लेते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। और इस बार हम लोग जाएंगे नीचे इंजन में ताकि ये स्कैनिंग जो है वो जल्दी हो सके और देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों, इसमें इंजेक्टर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आ रहा है, चारों इंजेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि हमने चारों के कपलर जो वो बारी बारी से निकाले थे, मैनुअली चेक किया था, इसीलिए अब जो फॉल्ट कोड है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर करने के बाद दोस्तों देखते हैं, ये देखिए अब जो है चेक इंजन की लाइट जो है वो अब नहीं आ रही, फॉल्ट कोड जो है क्लियर हो गया। उससे पहले दोस्तों हमने लॉन्च का लगाया था, ये देखिए लॉन्च में क्या फॉल्ट कोड आ रहे थे। ये रीड फॉल्ट कोड में जाते हैं हम लोग, ये देखिए इसमें भी वही सेम फॉल्ट कोड आ रहे थे जो कि कारपीएम के स्कैनर में आ रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।